किसी भी पार्टी की अंधभक्ति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होती है। हज और गंगा सिर्फ गरीबों का नजरिया है, वरना अमीरों के पाप तो राजनीति ही धो देती है। राजनीति में कोई मित्र नहीं होता है और कोई शत्रु नहीं होता है, ये सब समय स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में अंधे बैठे हैं और आंख वाले इन्हें ढो रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति देश की एकता के लिए बहुत बड़ी खतरा होती है। लोकतंत्र में एक शिक्षित और सशक्त समाज का आकलन उसके चुने हुए नेता से किया जा सकता है। भ्रष्ट राजनीति एक आंदोलन को जन्म देती है और यही उसके पतन का कारण बनता है। जहां आम आदमी सोचना बंद करते हैं, वहां से नेता सोचना शुरू करते हैं, इसलिए राजनीति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। राजनीति से भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए तो बड़ी आसानी से किसी भी देश का विकास किया जा सकता है। राजनीति में अच्छे लोगों की कमी हमेशा से रही है, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आना पसंद ही नहीं करते। राजनीति में सिर्फ बुरे लोग होते हैं, ये बात 100% सच नहीं है, लेकिन बहुत से लोग यही सोचकर राजनीति से दूरी बना लेते हैं। गंदी और छोटी सोच वाले ही गंदी राजनीति करते हैं। बहुत से ऐसे भी नेता हैं जो जमीनी स्तर पर समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की गई राजनीति हमेशा खतरनाक होती है, इसलिए समाज हित ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। राजनीति समाज को एक आयाम देती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की। किसी भी देश के विकास में किसान, युवा और राजनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छे लोगों की कमी की वजह से राजनीति में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। कुछ लोग राजनीति को केवल मुनाफे का धंधा समझते हैं। लोकतंत्र होने के बावजूद भी जनता ठगा हुआ महसूस करती है इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से। राजनीति होनी चाहिए समाज हित के लिए, लेकिन होती है सिर्फ पैसे और अपने फायदे के लिए। चुनाव के दौरान किए गए वादे और चुनाव के बाद किए गए काम, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। नेता बरसाती मेंढक होते हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही आपको ज़्यादा दिखते हैं। निस्वार्थ भाव से एक नेता चुनना ही विकास का सूचक है। जनता आज भी वोट जात और पार्टी देखकर देती है। व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता राजनीति में कोई महत्व नहीं रखती, इसलिए बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग नेता बन जाते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ को राजनीति से ही पानी मिलता है। कभी कभी राजनीति में बने रहने के लिए भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करके अपनों से ही संबंध खराब कर लेते हैं। कड़वा है मगर सच है। राजनीति भी गजब का खेल है। यहाँ कब अपना पराया हो जाए और कब पराया अपना हो जाए, समय नहीं लगता। महात्मा गांधी के समय से राजनीति देश, समाज और विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। राजनीति में हिस्सा नहीं लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति भी आप पर शासन करने लगते हैं। राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाया जाता है। जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। राजनीति में अंधभक्ति एक बहुत बड़ी समस्या है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, क्योंकि ये लोगों की सोचने की बौद्धिक क्षमता को खत्म कर देती है। जन्म लेने के बाद से मरने तक राजनीति हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि बेहतर राजनीति के लिए अपना योगदान जरूर करें।